कोलकाता हाई कोर्ट की फटकार का चुनाव आयोग पर जोरदार असर दिखा। आयोग ने दो दिन में दो बड़ी कार्रवाई की। पहले बीजेपी नेता के प्रचार पर रोक लगाई, फिर बीजेपी के भी भाषणों पर लगाम कसते हुए नजर आया। इसके साथ ही आयोग ने एक नोटिस कांग्रेस को भी जारी किया था और कांग्रेस ने मामले में अपना जवाब भी जारी किया है, जिसके बाद आयोग एक बार फिर सवालों में घिर गया है। तो क्या है पूरा मामला, क्यों कार्रवाई कर कटघरे में आ गया चुनाव आयोग, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने देश के दो प्रमुख दलों पर कार्रवाई की। एक नोटिस बीजेपी के धार्मिक मुद्दों पर भाषणों पर रोक लगाने के लिए जारी किया, तो दूसरा नोटिस कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी जारी किया। आयोग ने कांग्रेस को डिफेंस फोर्सेस का राजनीतिकरण न करने की सलाह दी, जिसे लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं। चुनाव आयोग के नोटिस पर कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आपत्ति जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ईसीआई द्वारा कांग्रेस पार्टी को ऐसा ना करने का निर्देश देना गलत है। अग्निवीर योजना का राजनीतिकरण ना करें। राजनीतिकरण का क्या मतलब है? क्या ईसीआई का मतलब आलोचना है? अग्निवीर एक योजना है, सरकार की नीति का उत्पाद है। किसी विपक्षी राजनीतिक दल का ये अधिकार है कि वो सरकार की किसी नीति की आलोचना करे और घोषणा करे कि अगर वो सत्ता में आया तो योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। अग्निवीर सैनिकों को दो श्रेणियों में बनाता है जो एक साथ लड़ते हैं, और ये गलत है। अग्निवीर एक युवक को 4 साल के लिए नौकरी पर रखता है और बिना नौकरी और बिना पेंशन के बाहर निकाल देता है, और ये गलत है। अग्निवीर का सेना ने विरोध किया था, फिर भी सरकार ने ये योजना सेना पर थोप दी, जो गलत है। अतः अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को निर्देश देने में ईसीआई बेहद गलत थी, और एक नागरिक के तौर पर ये कहना मेरा अधिकार है कि ईसीआई का निर्देश गलत था। बता दें कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस को संविधान और अग्निवीर योजना पर अपने भाषणों को मर्यादित रखने की नसीहत दी थी, और अब कांग्रेस के इस जवाब से आयोग भी सवालों के घेरे में आ गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।